सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने से शुभ फल मिलता है। इसको लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, जैसे कि यह समय जो है बसंत ऋतु का पर्व का समय रहता है। जैसे 6 ऋतुएं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताई गई है, तो इस समय बसंत ऋतु आने वाला रहता है। तो उसी दिन बसंत पंचमी पड़ती है जो मांग शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन वाग देवी माँ भगवती सरस्वती का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। बहुत से स्थानों पर गुरुकुल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला करके या इस दिन विद्या आरंभित कराया जाता है। हमारे महामाया मंदिर में भी बहुत से आसपास के जो जानकार जो परिवार हैं वो अपने बच्चे को लेकर के आते हैं और यहाँ से विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की जो कुछ मंत्रोच्चार पूजा मंगलाष्टक इत्यादि यहाँ किया जाता है, जो कि बसंत पंचमी के और बहुत सारे अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन से हमारे छत्तीसगढ़ में डाँड़ गड़ाई जाती है। जिस जगह पर डाँड़ गड़ाने की पूजा होती उसी जगह पर ही उस दिन से होली जलाने के लिए लकड़ी कंडा इकट्ठा किया जाता है। बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा है जो कि बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। सरस्वती माता के लिए कोई श्लोक या कोई सरस्वती माता की पूजन के लिए तो अलग से दुर्गा सप्तशती में भी और अन्य शाक्त ग्रंथों में भी वर्णित है। सरस्वती माता की पूजा विशेष करके बसंत पंचमी के दिन में प्रायः हमारी जानकारी के अनुसार स्कूलों में भी मनाई जाती है और जो बड़े बड़े जो मंदिर है वहाँ पर भगवती दुर्गा जी की महाकाली महालक्ष्मी और महा सरस्वती के स्वरूप में पूजा भी की जाती है। माँ सरस्वती जी की जैसे मंत्र में सबसे सरल मंत्र है, या कुंदेन्दु तुतार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राभृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या सहित पद्मासना। दुर्गा सप्तशती में भी है, घंटा सूल हलानी संघ मुसले संघम। इस तरह से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मंत्रों का वर्णन है। माँ सरस्वती का बीज मंत्र ऐंग, इसका भी जप किया जाता है। वाग देवी विनमय, इस तरह से भी इनकी मंत्र जाप की जाती है। माँ सरस्वती के नाम से बहुत सी ऐसी पूजा आराधना भी है जिनको करने से विद्या प्राप्ति अवश्य होती है।